यूपी के हमीरपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर दो पतियों ने अपनी दावेदारी पेश कर सबको चौंका दिया। अपने दो मासूम बच्चों के साथ खड़ी 30 साल की वो शादीशुदा महिला है, जिसका आरोप है कि उसे गांव के लोगों ने 30,000 रुपए में बेच दिया, और जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो दूसरे पति ने पहले पति की जमकर पिटाई कर दी। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे का रहने वाला भानु प्रताप रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में था। उसके घर में पत्नी रूबी और दो मासूम बच्चे थे। वहीं आरोप है कि बिहनी गांव के प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर रूबी को 30,000 रुपए में गांव के एक व्यक्ति को बेच दिया और शादी कराकर जबरन उसको दूसरे पति के घर में छोड़ दिया, जहां रूबी को बंधक बनाकर रखा गया था। इसकी जानकारी जब महिला के पति को हुई तो वो अपनी पत्नी से मिलने गाँव गया, जहाँ पर महिला को खरीदने वाले दूसरे पति ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पतियों को शांति भंग में जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे पति का आरोप है कि महिला की रजामंदी के बाद ही उसने शादी की थी और पहले पति ने पिता बनकर दोनों को आशीर्वाद भी दिया था। फिलहाल कुछ भी हो, मामला बेहद पेचीदा है, जहां एक ओर महिला जबरन बेचे जाने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरा पक्ष अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक महिला थी जिसकी पहले शादी हो चुकी थी और शायद जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है कि उसने बिना बताए जो है दूसरी शादी कर ली थी और वो अपने दूसरे वाले पति के यहाँ रह रही थी। इस बीच में शायद दूसरा पति खोजते हुए वहां पर पहुंचा या जैसे भी पहुंचा हो, उसके बाद दोनों पतियों में लड़ाई हो गई। मामला थाने पे आया, थाना प्रभारी द्वारा दोनों पतियों के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है। शांति व्यवस्था कायम है। हमीरपुर से जनमत न्यूज के लिए कर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।